स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जी में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले पेजैप एप्लीकेशन से आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। अब रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें रिचार्ज में आ जाती हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, अगर आप यहाँ पर से देख सकते हैं पोस्टपेड रिचार्ज करना है, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करना है, बिजली बिल रिचार्ज करना है, DTH रिचार्ज करना है, फास्टैग रिचार्ज करना है, गैस सिलेंडर रिचार्ज करना है, मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बाई ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर से क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, यहां पर एजुकेशन फीस, डोनेशन फीस, अगर आपको कुछ भी रिचार्ज करना है देन ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं पेजैप एप्लीकेशन से आप कोई भी रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले गाइस, अगर आपने पेजैप एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको अकाउंट कैसे बनाना है, यूज़ कैसे करना है, इस पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियोस बना के रखा है, आप वो वाला वीडियो जाकर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, तो 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर देखिए KYC स्टेटस, इस पर जाकर आप KYC कंप्लीट सिर्फ अपने पैन कार्ड से कर सकते हैं, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ओके, यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अर्न देख सकते हैं 251 रुपीज़ देखने को मिलेगा, बिल वाले पर इस पर क्लिक करना है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करेंगे तो आप 251 रुपीज़ तक पैसे भी अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिचार्ज क्या क्या है, तो मोबाइल रिचार्ज, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर से क्लिक करेंगे, अब सिंपली आपको उसका नंबर डालना है जिसका भी आप मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं, तो जिसका भी आप यहाँ पर से करना चाहते हैं सिर्फ आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आप उसका पेमेंट बड़े ही आसानी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद मोबाइल पोस्ट पैड है, इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर भी आपको सेम वही करना है और यहां पर आपका रिचार्ज हो जाएगा। ब्रॉडबैंक में यहां पर क्या है, जो भी कंपनी का ब्रॉडबैंक है वो डालना है और उस पर यहां पर से आप उसका रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, CA नंबर डालना है, किस आप क्षेत्र से है वो क्षेत्र सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और जो भी आपका बिल पेमेंट है, ड्यू है, बाकी है वो दिख जाएगा। सिंपली आप उसको बड़े आसानी से पे पर जाकर अपने बैंक अकाउंट जो भी इसमें लिंक है उससे आप पे कर सकते हैं। सेम DTH का वही है, फास्टैग का वही है, गैस सिलेंडर में वही है, सिर्फ गैस सिलेंडर कंपनी का नाम डालना है और यहां पर आप कर सकते हैं। मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर से आप कोई भी रिचार्ज आपको करना है तो इस तरीके से आपको जो भी रिचार्ज करना है उस पर क्लिक करके यहां पर से आप रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और सेफ्टी है। और यहां पर रिचार्ज करने पर आपको, पहले मैंने बताया, 251 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहां पर कैशबैक भी देखने को मिलता है और यहां पर से आप रिचार्ज बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे आप पेजैप एप्लीकेशन से बड़ी आसानी से कोई सा भी बिल पेमेंट कर सकते हैं और कोई सा भी रिचार्ज कर सकते हैं।